हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एसआर एजुकेशन। आज हम समरी कर रहे हैं व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर की ग्रेड 8 सीबीएसई से। रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, अपराइजिंग ऑफ 1857, ग्रेट रिबेलियन, इंडियन म्यूटनी, सिपॉय म्यूटनी, ये सब कुछ इस तरह के जो अलग अलग नाम हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ इंडिया की पहली वॉर जो हुई इंडिपेंडेंस की, उसके लिए ये कुछ अलग अलग नाम है। जो भी पॉलिसीज और लॉज कंपनी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, उससे क्या हुआ कि जो रूलर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, पीजेंट्स थे, ट्राइबल्स थे या सिपॉयज थे, उन सबके में एक रोष फैल गया और वो सब इस कॉलोनियल रूल को खत्म करना चाहते थे। कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए ताकि वो जो है स्टेट्स के अफेयर्स हैं उनको एक तरह से सुलझा सके या उनको सॉर्ट आउट कर सके। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस करी गई थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा, उससे क्या था कि जो कई सारे इंडियन स्टेट्स थे जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, उन पर एक तरह से कंट्रोल करने के लिए थे। फिर ये जो सब्सिडायरी अलायंस पॉलिसी लाई, इससे क्या हुआ, जबरदस्ती अवध पर अपना कब्जा करा जा रहा था। कंपनी ने कोशिश करी कि वो जो है मुगल जो डायनेस्टी है उसको एक तरह से खत्म कर दे। उन्होंने प्लान इस तरह से किया। इससे क्या हुआ, जो मुगल किंग थे उनका जो नाम खुदाया जाता था या नाम उभारा जाता था कॉइंस पे, उन्होंने उसको रोक दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है वो सबसे आखिरी मुगल किंग है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया, उससे जो लोग थे या जो जमींदार थे उनकी जिंदगी जो है एक तरह से काफी मिजरेबल हो गई थी। बहुत बड़े बड़े टैक्सेस जो है जबरदस्ती जो लादे जा रहे थे, उससे जो लोग हैं उनको पैसे उधार लेने पड़ रहे थे मनी लेंडर से, और इस बदले में क्या होता था, वो उनकी जो जमीन है उसे हथिया लेते थे। और तब भी जो है, जैसे कहना चाहिए, लोग अगर उनसे लोन नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि उधार लेना पड़ रहा था, तो उधार लेने के लिए वो लोग जमीन गिरवी रखते थे। और फाइनली होता क्या था, उधार चुका नहीं पाते थे तो ये जो मनी लेंडर्स है ये उनकी जमीन हथिया लेते थे। ब्रिटिशर्स ने कई रिफॉर्म्स भी लाए इंडियन सोसाइटी में। उन्होंने विडो री मैरिज को जो है क्या कहते हैं बढ़ावा दिया, ये जो सती की प्रथा थी इसको रोकने की कोशिश करी, साथ ही साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन है उसको काफी इम्पोर्टेंस दी। 1850 में एक लॉ पास की गई जिससे ये आसान कर दिया गया कि आप जो है अगर धर्म परिवर्तन करना चाहें, यानी क्रिश्चियनिटी में अपने को कन्वर्ट करना चाहें, तो उसका प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है। अब जो लोग कन्वर्ट हो जा रहे थे उनको जो है एक तरह से ये अलाउ कर दिया गया कि तुम्हारे जो एंसेस्टर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगी। इससे क्या हुआ, जो सिपॉयज थे वो काफी डिससैटिस्फाइड थे कंपनी रूल से, नाखुश थे, क्योंकि जो कंडीशंस उनको सर्विस में दी जा रही थी या जो पे मिल रही थी या जो अलाउंस दिए जा रहे थे उससे जो सिपॉयज थे वो काफी नाखुश थे। इससे क्या हुआ कि जो भी ये चेंजेस हो रहे थे इससे इंडियंस जो है ना काफी परेशान हो रहे थे और उनको ऐसा लगने लग गया कि उनके जो अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स या जो रिलीजन है उनको एक तरह से नष्ट किया जा रहा है। कुछ रूल्स ऐसे जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस करे थे वो एक तरह से उनकी धर्म के जो प्रति सेंटीमेंट्स होते हैं उसके खिलाफ थे। जो कार्ट्रिज सिपॉयज द्वारा इस्तेमाल करी जा रही थी वो पिग या काउ के स्वैट से बनाई जा रही थी और जो उनके धर्म के खिलाफ थी। जी, ये जैसे कहते हैं एक ट्रिगर का काम किया इसने सिपॉयज के लिए, और बेसिकली इसी की वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। जो ग्रेट रेबेलियन था मई 1857 में, वो एक तरह से म्यूटिनी कही जा सकती है सिपॉयज की मेरठ में। उसने क्या किया, सिविलियन रिवोल्ट्स जो थे उनको भड़का दिया और साथ ही साथ छोटी छोटी जो म्यूटनीज थी सेंट्रल इंडिया, ये जो अपर गैंजेटिक प्रिंस थे उनमें एक तरह से अब भड़कनी शुरू हो गई थी। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो स्केल था उससे कंपनी भी थोड़ा सा डर गई और कोशिश ये करी कि अब वो जो है हर संभव कोशिश करेगी इसको दबाने की। जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, उससे कंपनी इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने जो है अब मिलिट्री को जो है और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर दी। कैसे, वो खूब सारा मैन और मटेरियल जो है उन्हें इंग्लैंड से बुलाए और नई लॉज जो है वो पास करनी शुरू कर दी ताकि जो रेबल्स हैं उनको एक तरह से कन्विक्ट किया जा सके। सितंबर 1857 में कंपनी ने दोबारा दिल्ली पर अपना हथियार कब्जा कर लिया और अक्टूबर में जो एम्परर थे बहादुर शाह जफर उनको कब्जे में करके उनको एक तरह से जिंदगी भर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया। मार्च 1858 में कंपनी ने दोबारा लखनऊ को रिकैप्चर किया और जून में जो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की वो मारी गई। तात्या तोपे अप्रैल 1859 में मारे गए। बहुत सारे रेबल्स, नवाब, सिपॉयज, जो किंग्स थे या सिविलियंस थे
उनके ऊपर केस चलाए गए और फाइनली उनको ब्रिटिशर्स द्वारा मार दिया गया। 1859 के एंड तक आते आते कंपनी ने दोबारा एक तरह से अपना कंट्रोल इंडिया पे जमा लिया था। जो नया एक्ट आया 1858 का, उसके अकॉर्डिंग जो रूलर पावर्स थी इंडिया की, जो भी पावर्स थी रूल करने की, अब वो सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ट्रांसफर हो गई थी। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, अब उनको टाइटल दे दिया गया था वाइसरॉय का, जो कि एक तरह से कह सकते हैं क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव थे। और जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, वो जो है क्या कहते हैं एक तरह से पहले उन्होंने लागू कर दी थी, फिर बाद में उसको पीछे ले लिया और रिकॉग्नाइज कर दिया कि हाँ एडॉप्टेड सन की भी जो है राइट हो सकती है। यहाँ तक कि उन्होंने जो यूरोपियन सोल्जर्स थे अपनी आर्मी में, उनका भी जो प्रपोर्शन है अब उसे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने ये माना कि जो रिवोल्ट हुआ था उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार हैं, और इस वजह से उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर लिया और उनको काफी बुरी तरह से ट्रीट करने लग गए। इस रिवोल्ट की वजह से जो ब्रिटिशर्स हैं, अब उन्हें समझ में आने लग गया था कि इंडिया के क्या प्रैक्टिस रिलीजन्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, तो एक तरह से उन्होंने अब उसको भी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिर इस तरह की पॉलिसीज बनाई ताकि जो लैंड राइट्स हैं जमींदार की, उनको बचाया जा सके। एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ये इंडियन इंडिपेंडेंस का सबसे पहला वॉर था जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। इसीलिए इसको जो टर्म दिया गया है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश दिया गया है। जो राजा थे, पीजेंट्स थे, ट्राइब्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे, और साथ साथ सिपाही जो थे, सब के सब जो है ब्रिटिश रूल से काफी नाखुश थे या डिससैटिस्फाइड थे। तो ये जो स्टार्ट हुआ रिवोल्ट का, ये बेसिकली 29 मार्च 1857 को हुआ, जब मंगल पांडे ने अपने ऑफिसर्स पे अटैक किया। ये जो अटैक है मंगल पांडे द्वारा, ये एक तरह से कह सकते हैं सबसे पहला एक्ट माना जाता है, जिसको कि बाद में ग्रेट रिबेलियन या सिपाही म्यूटिनी कहा गया। सिपाही चाहते थे, सिपाही बेसिकली सिपाही हैं, वो ये चाहते थे कि ब्रिटिश रूल खत्म हो और बहादुर शाह जफर को वो अपना लीडर बनाना चाहते थे। दिल्ली में इन्हीं सिपाही ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उनके जितने भी हथियार वगैरह थे उनको अपने कंट्रोल में कर लिया, और साथ ही साथ जो बिल्डिंग थी उसमें आग लगा दी। एक हफ्ते बाद जो है ब्रिटिशर्स ने जो है दिल्ली से एक तरह से वो भाग गए, और जो लहर चल रही थी इन म्यूटिनीज की, वो जो है अब अलग अलग पार्ट्स में भी कंट्री के शुरू हो गई थी। ज्यादा से ज्यादा जो रेजिमेंट्स हैं अब वो रिवोल्ट कर रही थी और उन ट्रूप्स को ज्वाइन कर रही थी जो कि एक जगह पे हो रहे थे, जैसे कानपुर है, दिल्ली है, लखनऊ में, वहां पर अब आके उनको ज्वाइन कर रही थी। कानपुर के पास नाना साहेब और लखनऊ में ब्रिजिस गदर और उनकी मदर बेगम हजरत महल, इन्होंने जो है इस अपराइजिंग के लिए काफी योगदान दिया। ब्रिजिस गदर जो है वो नवाब वाजिद अली शाह के लड़के थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे और जो सिपाही थे उन्होंने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब म्यूटिनी जो थी, इसमें क्या हो रहा था, कई नए जो भी ये जो म्यूटिनी थी, ये जो लड़ाइयां हो रही थी, इसमें कई नए लीडर्स निकल कर आए, जैसे अहमद रसूल शाह फैजाबाद से, बख्त खान बरेली से और कुंवर सिंह बिहार से। एक तरह से जो रिवोल्ट हुआ इससे ब्रिटिशर्स काफी हद तक डर गए, और जो उनकी फाउंडेशन, जो नींव पड़ी हुई थी इंडिया के अंदर, जो उनकी रूलिंग नींव थी, वो एक तरह से हिल गई थी। तो ये थी हमारी समरी चैप्टर व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर की। अच्छी लगी सब्सक्राइब करो हमारा चैनल असाब एजुकेशन। बाय।